तो यहाँ पे देखो गर्ल किस तरीके से ऊपर स्लाइडिंग करते हुए आ रही है, और ये आंटी बची बची तो सैंता का डांस देखने लाया गया। टॉयलेट रोल को पोर्ट के अंदर फेंकना है अपनी स्पिन आर्ट की एक्टिविटी। ये संतरा तोड़ लिया भाई ने, ये है अपना एंट्रेंस गेट। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो अभी हम एक फार्म हाउस में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इवेंट होने वाला है, काफ़ी सारी गेम्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सेटअप वगैरह सुबह का टाइम है, अभी स्टार्ट हो रही है गेमें इस तरीके का, आपको पूरा फार्म हाउस भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये ट्रेन है अपनी, ट्रेन चलने वाली है, और ये भी सारा सेटअप बन रहा है। जैसे ट्रैम्पोलिन ऐसे सेट किया जा रहा है, प्ले एरिया सामने देख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अपना ये अपना मिकी माउस वगैरह लगेगा। तो ये गेम्स देखो, पहले ये भी गेम्स दिखाता हूँ, अभी सब सेट हो रही हैं। ये बैलून पॉप है, इसके साथ में एक ये वाली गेम है, तो अभी सारी स्टार्ट हो रही है, अभी सेटअप लग रहा है अभी सारा। और जब ये स्टार्ट होगी तभी मैं आपको सारी गेम्स वगैरह दिखाऊंगा इस तरीके से। ये देखिए ये सारी गेम्स वगैरह, ये सामने हैमर लगा हुआ है, ये अपना प्ले एरिया, ये अपना हैमर, इस तरीके से किड्स के लिए पूरा किड्स जोन बनाया हुआ है। और ये देखो मैं आपको पहले इधर से ये फार्म हाउस वगैरह दिखाता हूँ पूरा किस तरीके का है। यहाँ पे चलते हैं, और ये जो है अभी बच्चों के लिए बनाया है, क्रिसमस पार्टी चल रही है, उसी के हिसाब से यहाँ पे सेटअप वगैरह बनाया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पहले फार्म हाउस दिखाऊंगा किस तरीके का है ये, और जब ये स्टार्ट होगा उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा किस कैसा ये अपना इवेंट होने वाला है। तो ये फार्म हाउस है यहाँ पे इस तरीके से, भैया अभी गार्डनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगेंगे सारे, यहाँ पे खाने पीने का भी अरेंजमेंट होगा। ये छोटी सी नर्सरी बना रखी है यहाँ पे इस तरीके की है यहाँ पे। ये देखो आगे देखता हूँ यहाँ पे इस तरीके का है, और आगे चलते हैं, आगे भी दिखाता हूँ क्या क्या है, कैसा है ये फार्म हाउस। तो सारी ये नर्सरी बना रखी है, ये वो सारे अपने सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है उसके अंदर ही। और अभी आगे चलते हैं, और काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है और काफ़ी अच्छा फार्म हाउस है ये। और यहाँ से देखो दूर से देखो यहाँ पे ये सारा गेम जोन इस तरीके का यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे है ना इस तरीके का, ये सारा गेम जोन का एरिया है। और आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ, आगे सारा खाने पीने का अरेंजमेंट कर रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ आगे चल के, है ना। यहाँ पे जिसका भी फार्म हाउस है उसका जैसे रहने का है इस तरीके का रहने का सिस्टम, यहाँ पे हाउस इन्होंने बना रखा है अपना घर। ये देखिए इस तरीके का घर है ये, यहाँ पे रहने का सिस्टम है। ये सारे नीचे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ये सारा गेमिंग एरिया है। और इधर चलते हैं कि ये पार्क है यहाँ पे, और पार्क में यहाँ पे देखो यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो ना, यहाँ पे बच्चे ट्रैकिंग वगैरह करेंगे अपनी इस तरीके का है यहाँ से चढ़ के। और अभी जब ये स्टार्ट होगा है ना, जब ये अपना सारा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही मैं सारा दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे गेम्स वगैरह खिलाई जा रही हैं। अभी तो फिलहाल जो है सुबह का टाइम है, तो अभी सेटअप लग रहा है ये, है ना। ये देखिए ये भी है, ट्रैकिंग करेंगे यहाँ से, बच्चे वगैरह से चढ़ेंगे तो पूरा आगे आगे तक जाएंगे, ये सारा सिस्टम है। और यहाँ पे सामने देख रहे हो इस तरीके का अभी सेटअप हो रहा है खाने पीने का, यहाँ पे पूरा स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, ये है सारा सिस्टम। बाकी जब स्टार्ट होता है फिर देखते हैं और भी नई नई चीज़ें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी अभी सब ला रहे हैं अभी, जैसे कि ये क्रिसमस पार्टी है, यहाँ पे अपना ट्री वगैरह को डेकोरेट किया जा रहा है इस तरीके से, काफ़ी बड़ा ट्री लगाया है क्रिसमस का। और यहाँ पे अपना सैंता के लेटर बॉक्स है, कुछ भी आप ड्रॉप कर सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह हैं ये इस तरीके का है। ये भैया हमारे गिफ्ट लेके आ रहे हैं, है ना, ये सारा है देखो। और अभी जैसे कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, काफ़ी सामान अभी आ रहा है, तो अभी सारा सेटअप वगैरह भी पूरा रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर ये पार्टी पूरी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सेटअप कैसे होगा, कैसे कैसे यहाँ पे पूरा मतलब क्या अरेंजमेंट किया गया है, वो सब आपको बाद में दिखाता हूँ। तो अभी जो है सारा सेटअप वगैरह वैसे रेडी हो रहा है, तो अभी जब तक मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हो, है ना, इस तरफ देखो यहाँ पे संतरे के है ना पेड़ लगे हुए हैं, तो तोड़ रहा है, सही है, तोड़ के देखो सही सही है, पके हुए हैं ये, तो ये हमारे भाई हैं, ये अभी संतरा खाने की इनकी इच्छा हो गई है, अब ये देखना पड़ेगा पका हुआ कौन सा है। तो ये देखो नीचे भी सारे ना सारी सब्जियाँ वगैरह उगी हुई हैं यहाँ पे इस तरीके से, और काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है ये, और हर मतलब सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। ये घर में शायद धनिया है, ये आगे पता नहीं क्या है, ये शायद गोभी वोभी लग रही है इस तरीके से। तो इन्होंने ये तोड़ लिया है, ये क्या तोड़ लिया, ये संतरा तोड़ा इन्होंने, दिखाना भाई संतरा, दिखा। तो ये संतरा है भाई, ये सही लग रहा है संतरा, पका हुआ है या नहीं हुआ, पका हुआ है, पका हुआ है भाई, हाँ छील के देखो फिर देखते हैं, खा के देखते हैं कैसे छीलो उसको। तो इस तरीके के हैं ये, अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके का है ये, खट्टा है, सही है, हल्का सा खट्टा सा सही है, वैसे इतना वो नहीं है, खट्टा भी इतना नहीं है, खाने लायक है, बढ़िया लग रहा है इस टाइम।
और भी दिखाता हूँ आगे क्या है। देखो ये कौन सा संतरा लगा भाई, अरे बाप रे क्या है ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है। क्या चीज़ है भाई, पता नहीं क्या है ये, कद्दू सा लग रहा है कुछ, क्या है ये? बेल पत्थर है, बेल पत्थर है ये? अरे वाह, ये बेल पत्थर है, बढ़िया गार्डनिंग कर रखी है। केले वगैरह देखो, केले का भी पेड़ है आगे, और अपना केले लगे हुए हैं उसके ऊपर, कच्चे हैं अभी है ना, यहाँ पे है इस तरीके से भाई भी कल लग रहे हैं। तो अभी जो है फंक्शन जो है वैसे अभी स्टार्ट होगा, तो फिर आपको गेम्स वगैरह सारे दिखाऊंगा क्या है आगे। अभी जो है पार्टी का मतलब ऑलमोस्ट जो है अपना 70% तक सारा सेटअप वगैरह हो चुका है। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ सामने जो है जितने गेस्ट आएंगे उनके लिए जो जितना भी अपना फूड्स वगैरह जो भी इनका खाने का है सिस्टम, यहाँ पे जो है इसका सेटअप लगाया गया है। ये सारी किचन है इनकी, इस तरीके की है ये, यहाँ पे सारा फूड वगैरह जो अपना रेडी हो रहा है इस तरीके से। ये है सारा अपना, ये अपना मेन एंट्री गेट है, यहाँ से सारे गेस्ट वगैरह भी आएंगे और सारा फूड कोर्ट एरिया ये है इस तरीके से। कभी स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको सारा दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे फूड्स आइटम वगैरह है ना लगी हुई है। तो अभी जो है थोड़ा और टाइम लगेगा, और एक घंटे में यहाँ तक ये स्टार्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और सामने देखो ऑर्केस्ट्रा भी है इस तरीके से, अगर देख पा रहे हो तो वहाँ पे ना पूरा बैंड वाला है, बैंड का सिस्टम भी है इस तरीके से यहाँ पे, और सारा फूड कोर्ट एरिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फूड्स के आइटम है। तो अब जो है फाइनली इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और हमारे सामने सैंता जी हैं जो सबको गिफ्ट्स वगैरह बांट रहे हैं और थोड़ा डांस भी कर रहे हैं इस तरीके से है। ये अपना बाउंसी, और सैंता अपना पूरा एंजॉय करते हुए यहाँ पे अपनी गेम्स वगैरह, बैलून शूटिंग लग चुकी है, इस तरीके की गेम्स है। अब सारी गेम्स चलते हुए दिखाता हूँ किस तरीके की गेमें जो है अपनी सब रेडी हो चुकी है। ट्रैम्पोलिन और यहाँ पे एक और गोली, यहाँ पे बॉलिंग करेंगे, यहाँ पे बॉलिंग वाले तो यहाँ पे जो है ना आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो सामने देखो पोर्ट के अंदर है ना, इनको रोल को डालना है, ये देखो ये गया। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और आगे भी देखो बैलून शूटिंग है, यहाँ पे अपने बैलून से टारगेट करना है। तो इसके साथ ही अब आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपके जो स्पिन आर्ट है, उसके साथ ही लगा हुआ अपना VR, यहाँ पे बच्चे प्ले स्टेशन में अपनी गेम्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और ये हमारा सारा जो है एडवेंचर जोन है। यहाँ पे देखो स्लाइडिंग करते हुए कैसे बच्चे ऊपर से नीचे रोप से आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग सारी जैसे होती हैं हिल स्टेशन वगैरह पे, उसी तरीके का यहाँ पे जो है अपना सारा सिस्टम बनाया गया है। देखो सामने जैसे अपने जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर जो एक्टिविटीज़ करने के लिए सारे ट्रैक्स वगैरह बनाए हुए हैं। देखो जिस तरीके से लड़की ऊपर चल रही है, उसको ट्रैकिंग करते हुए ये आगे जाएगी, इस तरीके का सारा ट्रैकिंग जोन है यहाँ पे, और जो काफ़ी अच्छा क्रिएट किया हुआ है बच्चों के लिए। तो अभी मैं आपको वापस चल के आपका स्पिन आर्ट दिखाता हूँ वो किस तरीके का है। ये देखो ये है अपना स्पिन आर्ट, यहाँ पे बच्चे जो हैं देखो इस तरीके से पहले यहाँ पे पेपर रख के है ना बच्चे अपना जो भी आर्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद इसमें जो भी इनकी आर्ट होगी वो जो भी अभी देखो किस तरीके से बनाई जाएगी, अपने ब्रश और पेंट से ऊपर पेंट करेंगे इसके ऊपर। ये देखो इस तरीके से ये अपनी ये स्पिन जो पेपर चिपका के स्पिन हो रहा है, ब्रश से कुछ भी आपके राउंड आर्ट पर बना के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर से यहाँ पे अपना जो भी आप अपना पेंट वगैरह करोगे तो ये आर्ट क्रिएट होगी। तो ये भी एक एक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे से भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अब है ना इस तरीके। और यहाँ पे देखो कई सारे सैंपल्स जो हैं सामने आप देख रहे हो बने भी हुए हैं, क्योंकि इसके बाद इसको सुखाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सारे ये वो अपने वाटर पेंट होते हैं इस तरीके से। वो जैसे बच्चे के नाम लिखे हुए हैं रुद्रा आर्यन है ना, इस तरीके से इन ये बच्चे पे बना के गए हैं अभी। तो अभी मैं आ गया हूँ एंट्रेंस पे, यहाँ से जो भी एंट्री हो रही है यहीं से ही हो रही है। देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेड कारपेट के साथ में है ना इसको एंट्री गेट बनाया गया है, और सारे बैलून्स वगैरह यहीं से अपना अंदर चलते हैं और आगे दिखाता हूँ। पहले देखो कितना बढ़िया ये फार्म हाउस है यहाँ जो यहाँ पे इनको
है ना, यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। सामने जो अपना फूड कोर्ट एरिया है, सारे फूड्स वगैरह यहीं है, और उसी के सामने ही जो है अपना गेम जोन है। यहाँ पे अभी हम गए थे तो वहीं पर ही चलते हैं, किस तरीके से एंट्री गेट से एंट्री हो रही है और यहीं से ही है ना। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, और इस तरीके से सामने जो है और चारों ओर जो है अपनी ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये फार्म हाउस, और उसी के साथ ही इसमें काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह की गई है। देखो तो सामने फूड कोर्ट एरिया है ना, सारा ओपन एरिया है ये, तो इस तरीके से है सामने है ना, जो भी अपने ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी है, स्टेज वगैरह लगा हुआ है। तो यहीं से आगे जाएंगे और यहाँ से जैसे आगे जाएंगे वहीं पर ही जो अपना सारा गेम जोन का इसका बैक साइड में बनाया हुआ है ना। फिर से एक बार मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ किस तरीके का गेम जोन ये हुआ है अपना बनाया हुआ है। और यहाँ से देखो एंट्री है इस तरीके से, देखो ये सारा पीछे का एरिया है जो अपना गेम जोन में कन्वर्ट किया हुआ है, और आगे का एरिया सारा फूड कोर्ट एरिया में है ना कन्वर्ट किया हुआ है इस तरीके से। नीचे आपको बोलिंग एले दिख रही है और साथ में प्ले एरिया, और आगे जो है अपना है ना मिकी माउस जो है इस तरीके से है ये, और सारे बच्चे जो है अपना अपना गेम्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। ये अपनी बॉलिंग एले का ट्रैक है, यहाँ पर जो अपनी बॉल्स वगैरह के साथ में है ना आप इसको बॉलिंग को अपना इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से सामने प्ले जोन एरिया है और आगे मिक्की माउस है इस तरीके से। ये देखो ट्रैम्पलिन भी, और ये सारा प्ले एरिया है इस तरीके से है, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है ना। काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं हर तरीके का गेम। खाना पीना खाना है तो आगे की तरफ जाइए, और यहाँ पे देखो सामने जो है टारगेट है अपना स्मैश द पिरामिड करके, इसके साथ ही है ना ये और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरीके से स्नैक्स वगैरह के लिए यहाँ पे भी स्टॉल है, और ये देखो अपनी ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन जो अपनी अभी वैसे ट्रेन वगैरह बहुत कम मतलब इन्जॉय कर रहे हैं। उसके साथ में देखो अपना जो है बंजिंग जंपिंग है, और अब फिर से आगे चलते हैं। ये अपना बैलिंग पॉप, और उसके साथ में वही स्पिनर जो अभी देखा था, और उसके साथ में VR, और ये सारी अपना राउंड करके जो दिखाया है ये सारा एरिया है इसी तरीके का। तो ये रहा अपना VR वगैरह प्ले स्टेशन वगैरह। अभी जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो अब यहाँ पे किड्स वगैरह में है ना, वो इस वाले ट्रैक के लिए है जो ऊपर से देखो इस तरीके से नीचे आना है। सबसे ज़्यादा एंजॉय यही कर रहे हैं यहीं पर ही। यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी मतलब फ्री नहीं है, हर कोई बच्चा ऊपर जाके मतलब नीचे स्लाइड करते हुए आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जो है अपना ट्रैकिंग का। देखो किस तरीके से गर्ल जो है नीचे आ रही है रोक के सारे, और ये देखो ये आंटी आंटी बच गई, अरे वाह बाल बाल बची हैं इस तरीके से है ये। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो है इसी को ही किया जा रहा है, ये वाले एक्टिविटी को ही सबसे ज़्यादा एंजॉय किया जा रहा है। बताइए देखो यहाँ पे बच्चे कितने सारे है ना लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और इसमें टाइम भी लग रहा है क्योंकि सेफ्टी भी है ना, पूरे बांध के बच्चे को आराम बिल्कुल तरीके से नीचे मतलब उनको स्लाइड करवाना है। तो आगे मैं आपको अब अंदर फूड कोर्ट एरिया में लेके चलता हूँ, इस तरीके से सारा फूड कोर्ट एरिया है, और काफ़ी अच्छा फूड वगैरह भी है यहाँ पे। अपना थक जाओ तो यहाँ पे आके फूड वगैरह एंजॉय करो, उसके बाद ही फिर वापस अपने एक्टिविटीज़ करने गेम्स वगैरह जोन में अपना वापस चले जाओ। इस तरीके का ये अपना सारा फूड कोर्ट एरिया है, ये देखो कितना मतलब है यहाँ पे, अच्छा है काफ़ी फूड का सिस्टम भी। और आगे भी दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे अपना स्टेज है, यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह इस तरीके से हो रही है, यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह जो भी है परफॉर्म किए जा रहे हैं। ये है सारा अपना फूड एरिया। तो फाइनली शाम हो चुकी है, और ये फाइन जो अपना इवेंट जो है ये भी वाइंड अप हो चुका है। तो सारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से वाइंड अप ये सारा हमने कर लिया, अगर देख पा रहे हो तो है ना। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ है ना, तब तक आप हमारे साथ बने रहो, और हम देखते रहे हमारे चैनल गेम वाले ब्लॉग्स।